गाइस, हम लोग फिर से लेके आए हैं नया ब्लॉग्स और आप लोग को दिखाएंगे फिर से और एक ब्लॉग्स मेरा जीज का। और मैं क्या बोल रहा था, पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा देखा आप लोगों ने, थैंक यू उसके लिए, और लाइक भी दिया। मैंने बोला था कमेंट करने के लिए, कुछ करने के लिए, आप लोगों ने किया। और इस वीडियो में मैं चाहता हूँ उससे बेहतर करूँ कि जिसे देखकर लोगों को भी अच्छा लगे, हमको भी लगे कि इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जो शेयर करेगा उसको रिलीफ मिलेगा गाइस। नवीन पटनायक से बात हो चुका है, शक्कर चूड़ा। चलो आगे देखते हैं आगे क्या हाल हो चुका है, और नदी थोड़ा से बढ़ गया है, वही चीज हम लोग दिखाने वाले हैं। यहाँ के ऑडियंस को देख सकते हैं किस तरह से खचाखच भरे हुए हैं, और ऐसा ऐसा कोई मेला लगा हो। और आगे मीगू है जो गाड़ी चला रहे हैं, काफी खतरनाक नजारा है ये। और कहने वाले की बात तो ये है कि नदी बाहर आने वाली है, लोगों की फटी पड़ी हुई है, कोई चावल और हाट गए थे हम लोग आज, और हाट में भी कुछ नहीं मिला। तो फिलहाल तो अभी जा रहे हैं, मीरमेला तक सफर रहेगा, बट देखते हैं क्या होता है। और देख सकते हैं किस तरह से ऑडियंस है इस वक्त, शायद वोट आने वाला है, इसकी वजह से देखने के लिए सारे के सारे खचाखच भरे हुए हैं। तो हे मारू भाई एंड उसके साथ को पता नहीं वो कहना है कि उस मस्जिद के पीछे एक गाय हो गया है, और वो पानी फूट कर आगे पोखर में जाके मिल रहा है, जो कि आपको अभी दिखाएंगे। और यहाँ जो है कुछ अलग ही नज़ारा है, सिर्फ एक हाथ ही बाकी है यहाँ नदी बाहर आने को। जैसे कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं नदी, और ये जो है अभी सीधा बता रहे हैं कि भाई उसी दिशा पे जाना है। और अभी जो चल रहे हैं हम लोग मीरमेले की तरफ का सफर है, देखते हैं क्या होता है। बट यही पोखर की मैं बात कर रहा था जो उस नदी से मिल चुका है, उस साइड से पानी आ रहा है। और मैं दिखाता हूँ अच्छे से आपको, अंदर तालाब है, यही है वो पोखर। निकल रहा है, आपको पूरा पास से दिखाता हूँ, पूरा पानी ही पानी है, देखिए किस तरह से निकल रहा है। नदी भी बस सिर्फ दो ही हाथ बाकी है। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये जो माहौल है ना, काफी दौर भरा माहौल है, लोगों को खौफ है कि यहाँ नदी बाहर आने वाला है, और लोग अफसोस में जी रहे हैं। कोई तो यार कुछ भी कर रहा है यार, कुछ भी बोल नहीं सकते। देखिए किस तरह से घर घर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए नदी, जैसे कोई मेला लगा हो। मेले मस्जिद, और यहाँ भी आके पानी लग गया है यार, काफी थेरो का लगा था। ये कलवा का लौंडा है, ये फाड़ के जाएगा। तो दोस्त आप लोग देख सकते हैं ये मीरमेला, और यहाँ पे सिर्फ गिन के एक ही हाथ बाकी है, जो कि बाहर भी आ सकता है, मीरमेला की फट सकती है। बहुत डेंजर साजी, कुछ बोलो इसके बारे में। हाँ यार गैस हो रहा है। अरे ये किस तरह से नदी आ गया है, ये जो भेड़ बकरी जो उधर रहते थे जंगल में, और ये रास्ते पे आ गए हैं। मोदी सरकार को बुलाया जाए स्पेशल इस रास्ते को ठीक करने के लिए। और क्या है यार ये भेड़ बकरी का राज, कौन है भेड़ बकरी का मालिक, इन्हें यार इस तरह लावारिस रास्ते पे छोड़ दिया है, कौन है, जल्द से जल्द आके अपनी भेड़ बकरी ले जाए, मेरी तुम्हारे से ये बस यही तक ही गुंजाइश है। थोड़ा सा कैमरा घुमा, इज द वेरी गुड पट्टा पुल का जो रास्ता था, वहाँ से यहाँ आने में बहुत टाइम लगता था। तो ये पट्टे के अंदर जो पानी है यहाँ पर, गाइस तुम लोग देख सकते हो, वो साइड है, क्या है वो साइड सादिक भाई, साइड नैनपुर, दिस इज नैनपुर, इज द गाड़ा लाल लाल घोड़ा, एंड जो पड़िया यहाँ पर पड़िया हुआ करता था, हम लोग बैट बॉल खेलते थे, जो क्रिकेट बोला जाता है आप लोगों को हिंदी में, तो हिंदी में नहीं इंग्लिश में क्रिकेट बोला जाता है। यहाँ पर पूरा पानी पानी हो चुका है, फिर आगे चल के दिखाएंगे हम लोग जहाँ प्रैक्टिस करते थे फुटबॉल वगैरह, जो बार अभी इतने रही है। तो सादिक भाई अजीज भाई आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ का पोजीशन क्या है, यहाँ का पानी उड़ सकता है या नहीं? हमको लगता है कि यहाँ का जो सिचुएशन है ये बहुत ही डेंजर है। तो जो साइपन बीच जो यहाँ से दिख रहे हैं उनकी तो बस जस्ट डूबने में 2 इंच बाकी है, किस वक्त डूब जाए उसका कुछ पता नहीं। जी तो सादिक भाई आपका क्या ख्याल है? पल दो पल का है, रिफ्लेक्शन इज गोइंग देयर इज द वेरी नाइस, थैंक यू। तो सादिक भाई यहाँ मैं जूम कर रहा हूँ ब्रिज का, दो शो दिखा रहा हूँ, देखिए गाइस
इतना ही हम लोग। सादिक भाई, ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहेंगे सादिक भाई? आप देख सकते हैं ब्रिज पल दो पल का है, कभी भी डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ही आखिरी ख्वाहिश रह गई है, ये हमारा ब्रिज कभी भी कुछ हो सकता है। मतलब हमारे सरकार को कुछ डिसीजन लेना चाहिए और हमारा जो नया ब्रिज है उसको जल्द से जल्द रेडी करना चाहिए। आप देख सकते हैं ब्रिज बहुत ही, लेकिन मेरा एक कहना है, कुछ भी हो सकता है इस वक्त इस पानी में, कैसे सरकार क्या स्टार्ट करेगी? उसका देने से भी पांच दिन में पांच टाइम, मगर वो कुछ भी। थोड़ा मुंह घुमा दीजिए साइड। हेलो गाइस, थोड़ा काला काला आ रहा है। तो इस वक्त खुद भी पांच बार देगी ना वो पूरे जनता को, तो भी ये ब्रिज खड़ा नहीं कर पाएगी। तो मेरे हिसाब से इस वक्त ये डिमांड करना गलत है, बट ये जो सिचुएशन है, अभी जो माहौल है, उसके लिए यार स्पेशल रिलीफ बनता है और उसे आना चाहिए। तो सादिक भाई क्या ख्याल है? आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, माचूद। ये देख सकते हो ये किस तरह से, यार ये क्या हो गया है इसके साथ में? जिस तरह से मुर्गी फार्म वहाँ बिशनपुर में डूबा था, और उसी तरह से ये भी डूब चुका है यार। कुछ भी हो सकता है यार, ये देखिए किस तरह, ये दान पेटी जैसा दिख रहा है बट ये डूब चुका है। ओ भाई, कोई तो आके इसे बचा लो यार, उठा लो यहाँ से, इसको उठा के ले जाओ यार यहाँ से। और इसको अपने मेडिकल की पड़ी हुई है, ये अपना मेडिकल दिखा रहा है बट यहाँ पे पूरा नदी का दुम पड़ा पड़ा हुआ है यार। मेडिकल मेडिकल हो रहा है यार, यहाँ लगा है कि हम लोग मरेंगे और जयपुर जाएंगे। क्या यार, और कोई मेडिकल नहीं है, सारे के सारे जयपुर जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं पैकुल, और ये है पैका फील्ड के नाम से जो जाना जाता है ये पड़िया, बट इसकी भी नैया पार लग चुकी है और ये भी डूब चुका है। देख सकते हैं उनका जो भी था यार गोल पोस्ट, और वो उसके भी गले गले तक आ चुका है, लेकिन ये पोस्ट तो था सीधा है, बिंदा का जो था थोड़ा थोड़ा टेढ़ा था। अब आगे जो बोलना है मिकदाद भाई बोलेंगे। क्या मिकदाद भाई, आप रेडी हो बोलने के लिए इस वक्त? नहीं। लगा था कि ये जो भी कुछ होगा थोड़ा दिन में चला जाएगा, लेकिन ये का हो गया भाई, तो पूरा जमाना खोज दिया बे, पूरा दिन भर बहुत ही परेशानी है बे, मतलब दिन भर परेशान, रात भर परेशान, रात भर मराओ साला नदी के पास जगो, कोई साला बम मार देगा, टेंशन कैसा टेंशन दे के रखा है रे, चला कभी हीरा खुद मार रहा है उधर से, कभी साला इधर से, कोई कौन कौन सा देश से पानी छोड़ रहा है, किस तरह का पानी है बे, कभी तो खत्म हो जा। और कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है यार, कहीं बोल रहा है कोई काजी मेला फट गई, कहीं काजी मेला डूब गया, कोई बोल रहा है कि मीर मेला डूब गया, ये कैसा कैसा भात है रे, कहीं कहीं अफवाह हो गया कि बालीबीसी भांस चुका है। नहीं रे, बालीबीसी जिंदा है, वो भी एक बाप का है, अभी अभी तक खड़ा है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं रे। अभी हम लोग जाएंगे अभी और लोगों से पूछेंगे आगे जाकर, देखते हैं लोगों लोग सब क्या कहते हैं, उनका क्या राय है, क्या राय है, क्या रिएक्शन देते हैं, और चलते हैं वहाँ तक। चलो नाजू भाई और छोटू भाई, बंटी भाई, आपसे मिलने के बाद बहुत खुशी हुई, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दो दिन से चल रहा है अभी नदी बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि नदी आ सकता है या नहीं? नहीं, संभावना तो लग रहा है कि आने का बहुत ज्यादा ये है, फिर भी अलग ऊपर बात है क्या है वो तो बता नहीं सकते। हेलीकॉप्टर में अगर पारा डाल दिए तो फिर बहुत चांसेस हो जाएगा। जी अच्छा, तो कल जो जितना नदी था उससे ज्यादा आज थोड़ा हो चुका है, टोटल 40 गेट खुल चुका है। क्या लगता है आपको, कितना गेट खुलने के बाद हमारे एरिया में जितना लोग अभी देख चुके हैं, आप भी जो जरा देख चुके हैं, उससे क्या लगता है आपको आ सकता है, कितना गेट खुलने के बाद? 50 गेट खुलेगा तो हमारा वाली बीसी भाग जाएगा। अच्छा, मतलब और 10 गेट खुलने का वेटिंग है, तो शुक्रिया। खुलेंगे तो हम लोग भाग जाएंगे। जी जी, चलो शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब यहाँ पे जो नदी बढ़ रहा है और आपकी मीरमेले की हालत काफी ज्यादा बुरी है, तो भाई आपका क्या कहना है इस वक्त नदी बढ़ती हुई? माल देख कर भाई की हालत देखो, पुस्तक घूमो। हाँ, तो बोलिए आपको क्या इस वक्त लग रहा है आपकी नदी के बारे में, आपको क्या उम्मीद है कि नदी इस तरफ आएगा या नहीं? नदी आया रहता लेकिन तो छूट गया, दो तीन हाथ छूट गया, तले चला गया। अच्छा, तो फिर भी कह रहे हैं हीरा को तो और भी 10 गेट खुलने वाला है, खुलने वाला है, क्वेश्चन तो बहुत खराब लग रहा है। क्या क्या इस बार फिर से नदी बाहर आ जाएगी? मनु भाई या मयूरी भाई, क्या लगता है आपको नदी के बारे में, नदी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नदी तो सुबह दो दिन हो गया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि बालीबीसी का जो पोजीशन है वो बहुत अच्छा है इस वक्त, कोई घायल वही तो होने का चांस नहीं है। एक जगह जो पानी का लीकेज किया था काजी मेला, जी काजी मेले में, उसको तो काम कर दिए हैं कालू भाई के जो आदमी थे, वो काम करके पिक्चर पहले बंद कर दिए,
और पानी का भी 2-3 घंटा हो गया, जरा जरा कमने लगा है। और वाराणसी का पोजीशन अच्छा है, कोई इतना डेंजर नहीं है, आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो माध्यम से जो है पब्लिक लोग देख कर जरा अपना आप को अच्छा ही महसूस कर सकते हैं। अपने एरिया का पोजीशन बहुत अच्छा है और दूसरे जगह में बहुत ज्यादा लाइव हो चुका है। तो अनुपा, जो यहाँ पर मिरमेले में अभी हम लोग फिलहाल मिरमेले में है, नदी का पोजीशन गाइस आप लोग देख भी सकते हैं। तो मिरमेले में है, यहाँ भी सुनने में आया था कि थोड़ा सा घाई हो चुका है, जो सबसे खतरा घाई है, क्योंकि 2008 में भी यहीं से निकला था पहला घाई। तो इस बार भी कहाँ चांस है यहाँ पर से निकलने का, क्या कहना चाहेंगे आप इसका? तो हम लोग देखे ऐसा कोई चांस नहीं है मिरमेले का, जो भी है बहुत अच्छा पोजीशन है यहाँ का, और भी 10-15 गेट खुलिया तो भी पानी कंट्रोल हो जाएगा। तो फिलहाल अभी 40 गेट खुल चुका है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या और खोलने का चांस है या नहीं? और 50 तो खोलने से कुछ नहीं होगा, पक्का कंफर्म है ना? पक्का कंफर्म। तो आप जरा कह दें कि लोग आप घबराइए मत, इतना टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। घबराने का तो इसमें कोई बात ही नहीं है, 15 नंबर वार्ड जी मेरी भाई क्या 15 नंबर वार्ड मेंबर हमारा बोल दीजिए, कुछ घबराने का जरूरत नहीं। ठीक है भाई, 15 नंबर अच्छा। तो शुक्रिया आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा, चलो थैंक यू। आगे पे गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी आ चुका है मिरमेले में। अगर और 10 गेट खुलता है तो पूरा बाहर आ जाएगा, यहीं से ही घाई हो जाएगा। और क्या, 8 में भी यहीं से शुरू हुआ था, अनस भाई बता रहे हैं, बताइए कैमरे के आगे तक आगे बता के। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आगे, आपको बताते हैं आपको क्या हाल है और कहाँ कहाँ घाई हुआ जरा बताते। घाई की तरफ चलो, सीधा बढ़ते हुए मिकदाद भाई के कदम घाई की तरफ। एक बंदे को लेके स्पेशल राइट हैंड रखा है, लेफ्ट रखते तो कुछ और काम में आता है, इसको ऐसे राइट में रखा है और लेफ्ट में ले लिया। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको, यहाँ जो घाई हुआ इधर साइड पे गाज देख सकते हैं, इधर थोड़ा पानी बहुत ज्यादा आ चुका है। हमारे टीपू भाई बताएंगे, ये लोकल है यहाँ के, क्या लगता है आपको यहाँ से कुछ कारण है निकलने का? कोशिश तो लगा है, मतलब तुम तोड़ने के लिए चाहते हो नदी का बन? नहीं तोड़े तो सब अच्छा, मैंने तोड़ा, मैंने तुम चाहते हो तोड़ना? तय नहीं, तय बोल तोड़ने चाहते हैं जी, तोड़ जाएगा तो ऊपर वाले का हाथ में जी। लेकिन अगर ज्यादा पानी है, अभी 40 गेट खुल चुका है गाइस, हीराकुड डैम का 40 गेट खुल दिया है अभी तो। Oh.